अल्विश ने दी मनीषा को ये एडवाइस। मनीषा ने अल्विश से कही अपने दिल की बात। पर बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा कि मनीषा और अल्विश एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर मनीषा अल्विश के साथ फ्लर्ट करती हुई भी नजर आती हैं। अल्विश मनीषा से पूछते हैं कि ये फुटेज फैक्टर क्या है, क्योंकि मनीषा हमेशा फुटेज की बातें कहती हैं। अल्विश पूछते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फुटेज में दिख ही रही होंगी। मनीषा अपने अनस्क्रिप्टेड होने की बात अल्विश को कहती है और मनीषा कहती है कि उन्हें लोग जल्दी हंसा नहीं पाते। मनीषा कहती है कि उनके बातों को जनता पसंद करती होगी, इसलिए उन्हें फुटेज मिल रही होगी। मनीषा सभी का दिल जीत लेने की बात कहती है और अपने आप को मस्त भी बताती है। मनीषा कहती है कि वो चाहती है कि उन्हें फुटेज मिले। अल्विश कहते हैं कि मनीषा को अगर जनता नहीं देख रही होगी तो उसका रीजन क्या होगा, जिस पर मनीषा जवाब देती है और कहती है कि लोगों को एक कैरेक्टर से उम्मीद होती है। मनीषा कहती है कि मनीषा जब लड़ती है और बुराई करती है तब जनता उन्हें देखना पसंद नहीं करती होगी। मनीषा कहती है कि ऑडियंस चाहती है कि मनीषा हमेशा सिर्फ जनता को एंटरटेन करे। मनीषा कहती है कि रियल फैन उनसे कनेक्ट कर पाते होंगे इन सारी चीजों को लेकर। वही मनीषा अपने बिंदास अंदाज होने की बात भी कहती है। अल्विश कहते हैं कि उनके हिसाब से इंसान को अपने तरीके की जगह पर्सनालिटी से जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्विश मनीषा से पूछते हैं कि उन्हें कैसे लगता है कि फैंस उनसे जुड़ाव कैसे करेंगे। मनीषा एग्जांपल देती हैं जिसे अल्विश अपना जवाब नहीं मान रहे होते, जिसके बाद मनीषा कहती है अगर बदना सेम है। मनीषा अपने रियल लाइफ में भी ऐसे होने की बात कहती है। मनीषा कहती है कि वो खुल कर कहती है कि वो फ्लोटिंग कर रही है। मनीषा कहती है कि अल्विश से वो प्यार नहीं करती, लेकिन वो दिल से अल्विश को अपना दोस्त मानती है और उन्हें पसंद करती है। मनीषा दिल से अभिषेक और अल्विश को अपना मानने की बात भी कहती है। मनीषा अल्विश के क्वेश्चन का नहीं समझ पा रही होती। वही मनीषा कहती है कि बेबिका ने उन्हें जो कहा वो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा था। मनीषा बेबिका के मर्द बॉयड को बिल्कुल भी पसंद न करने की बात कहती है। मनीषा कहती है कि बेबिका का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। अल्विश मनीषा को समझदार होने की बात कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि कई चीजें उन्हें क्यों समझ में नहीं आती। वही मनीषा कहती है कि वो जो भी कहती है वो इंटेंशंस के साथ कहती है। मनीषा बेबिका की बातें सुनने में बेकार लगने की बात भी कहती है। वही अल्विश कहते हैं कि मनीषा के दिमाग में एक चीज है कि वो जो बोले उसे कैमरा रिकॉर्ड करे, जिसे भी मनीषा एग्री करती है। मनीषा कहती है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही है। मनीषा कहती है कि वो उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि लोग उनकी बातें सुने और सही से समझे और एंटरटेन हो। मनीषा अपने आप को इंटरेस्टिंग कह रही होती है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की बात कहती है, जिसके बाद अल्विश मनीषा को रियल लाइफ के लिए एक एडवाइस भी देते हुए नजर आते हैं, जो इस घर के बाहर भी उनके लिए काम आएगी। अल्विश कहते हैं कि मनीषा को जो प्रूव करना है वो उसे 100 बार बोलती है। अल्विश मनीषा से कहते हैं कि बार बार एक चीज कहती है वो तो सबकी नजरों में उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। मनीषा को अल्विश रियल बताते हैं। वही अल्विश मनीषा से वैल्यू कम ना करने को कहते हैं किसी भी चीज की। अल्विश मनीषा को अपने एक्शन से सारी चीजें प्रूफ करने की एडवाइस भी देते हैं, जिसके बाद मनीषा कहती है कि अल्विश ने ये ज्ञान वाली बात कही है। वही मनीषा कहती है कि उन्हें अपने कॉम्प्लीमेंट सुनना काफी ज्यादा पसंद है और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। आपका अल्विश की मनीषा को दी इस एडवाइस पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।